मेघरी जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को जनता दरबार के उपरांत दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट जी के गुप्ता एवं दिवंगत संतराज गोरखपुरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। व्हाट्सएप के जरिए अलग अलग ग्रुप बनाकर हथियार खरीदने बेचने वाले तीन अभियुक्तों जय हिंद मेहताब उर्फ नायक खान और मोहम्मद अख्तर रजा उर्फ मच्छर उर्फ छोटे को गोला पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन अवैध देसी तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल किया बरामद। सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस, जल्द होगा बड़ा खुलासा। SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। जनपद में बढ़ते ठंड व शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने LKG से कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को 14 जनवरी तक बंद करने का दिया निर्देश। पहले से निर्धारित प्रैक्टिकल व प्री बोर्ड परीक्षा करा सकते हैं 10 बजे से 2 बजे तक विद्यालय। DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया ने दी जानकारी। बुधवार को प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा गोरखपुर महोत्सव का होगा शुभारंभ। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। बॉलीवुड नाइट में शमा बांधेंगे कैलाश खेर व सोनू निगम। 90% स्थानीय कलाकारों को दिया गया है मौका। ZDA उपाध्यक्ष गोरखपुर महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। ADG जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए आतंकी हमलों से निपटने के लिए ATS के साथ किया अभ्यास। SPCG ने कहा खिचड़ी मेला करवाया जाएगा सकुशल संपन्न। 5 QRT टीम PAC व बाहरी जिलों के फोर्स की भी लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के नामांकन के 5वें दिन 7 प्रत्याशियों ने आयुक्त न्यायालय में पहुंचकर किया नामांकन। एक ने लिया पर्चा, अभी तक 32 प्रत्याशियों ने लिया है पर्चा। 11 प्रत्याशियों ने 15 सेट में किया नामांकन। 12 जनवरी तक कर सकेंगे नामांकन। 13 जनवरी को होगा पर्चों की जाँच। 16 जनवरी को होगा नाम वापसी। 30 जनवरी को होगा मतदान। 2 फरवरी को मतगणना। अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का किया गया है अरेंजमेंट। 2 एडिशनल SP, 5 CO, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी PAC की लगाई गई है ड्यूटी। ड्रोन कैमरे से पूरे महोत्सव की होगी निगरानी। SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। चौबीस जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत लगवाया गया CCTV कैमरा। आगे भी कैमरा लगाने का अभियान है जारी। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में रंजीत कुमार पटेल गोरखपुर एवं महिला वर्ग में कुमारी तामसी सिंह मिर्जापुर बनी विजेता। दिव्यांगजन ट्राई साइकिल रेस में राकेश कुमार बने विजेता। मंगलवार को भी जनपद में सड़कों पर बनी हुई है शीतलहर व ठंड। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा 12 जनवरी तक ऐसे ही बना रहेगा ठंड। जिला प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों में वितरित किया जा रहा है कंबल।